मौसम आप लोगों ने देख ही लिया होगा और सुबह फिलहाल अभी खेत में आ चुके हैं और धान की कटाई पूरी हो चुकी है। धान कट चुका है, अभी 2-3 दिन के लिए इसको सुखाएंगे क्योंकि अभी मौसम आप देख रहे हैं थोड़ा नरम गरम है। अब जब सूख जाएगा तो सूखने के बाद इसको फिर ये देखिए हाथ से काटे हुए हैं ये सारा का सारा। हाथ से कटाई का फ़ायदा ये रहता है कि जो पराल होती है उसको आप यूज़ में ले सकते हैं और घास की कमी नहीं रहती, अदरवाइज़ तो आप कंबाइन से कटवा सकते हैं, वो बड़ी ही जल्दी काम कर देती है, फटाफट से काट देगी। दिन के दिन आपका मतलब हवा में काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है, मतलब हमें भी फ्रेगरेंस आती है चावल की, ऐसे धान की महक होती है। सो अभी अगले खेत में आ गया हूँ मैं, तो पीछे देख सकते हैं आप ये भी कट चुका है सारा और थोड़ा सा ये इस तरफ थोड़ा सा। तो मैं आपको बता रहा था ना कि जब सूख जाता है तो उसी के बाद झाड़ते हैं, तो अब ये जो उठा रहे हैं ना इधर से, ये पूरा सूख चुका है इसलिए इसको उधर झाड़ रहे हैं भाई। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको चल के, ये देखिए पीछे की तरफ। तो जब सूख जाता है तो कुछ इस तरीके से इसको झाड़ते हैं, ये जो है ये पूरा का पूरा निकल आता है इसमें से, अगर गीला हो तो कुछ ना कुछ बच जाता है, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही है। ये है 11-21 बासमती राइस, पीछे जो देख पा रहे हैं ये सारा का सारा जो है ज़मीन खोद के जो हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं उसकी पूरी प्रोसेस है कि मिट्टी से ईंट बनती कैसे है। तो सबसे पहले भाई मैं आपको लेकर के चलूँगा उधर बिल्कुल सामने की तरफ जहाँ पर मशीन लगी हुई है और वो मशीन मतलब मिट्टी को गूंथती है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना ये पूरी कतार, ये मतलब ईंट है। अब ये सीधा इधर से इसको पिक करेंगे किसी भी चीज़ में, जैसे ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली वगैरह उसमें लाद के बट्टे के अंदर ले जाएंगे और वहाँ से पक करके पक्की ईंट तैयार है ना। तो यहाँ तक ये देखिए ये सारी सूखने के लिए लगी हुई हैं। एक बस प्रॉब्लम यही है कि अगर बारिश हो जाए ना इस वक्त तो बड़ी दिक्कत हो जाती है यार, ये मटेरियल ख़राब हो जाता है, दोबारा से फिर प्रोसेस करो फिर तैयार करो। अभी मैं जेसीबी के अंदर बैठा हुआ हूँ और ये भाई ऑपरेट करते हैं इस मशीन को। सो आपको भी मेरे बैक साइड में जो मशीन दिखाई दे रही है, ये मशीन आपको जो बैक साइड में दिखाई दे रही है, इस मशीन में ये मिट्टी तैयार होती है। यहाँ से पूरा दिखाई नहीं देगा, मैं बाहर लेके चलता हूँ आपको, बाहर से दिखाता हूँ पूरा वीडियो कि मिट्टी कैसे तैयार होकर नीचे जा रही है ट्रॉली के अंदर। चलिए बात करते हैं।
सो भर गया फुल। बड़ी होती है ना तो उधर से मिट्टी भर के फिर इधर डालते हैं। ये रहा, और ये खाचे बने हुए हैं यहाँ, मोल्ड्स हैं। ये देखिए, ये मोल्ड्स बने हुए हैं, तो इन मोल्ड्स के अंदर इस मिट्टी को डाला जाता है। ये देखो, इस पे आरपी भी लिखा हुआ है, आपको हर ईंट पे आरपी लिखा मिलेगा। तो ये भट्टे का नाम होता है। तो ये मोल्डिंग की प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ कि मोल्ड के अंदर कैसे भरते हैं इनको। इसमें रेत डालना पड़ता है ना पहले? रेत नहीं डालेगा तो इसी निकल जाएगा। अच्छा, रेत नहीं डालेंगे तो फिर ये मतलब निकल जाएगा। अच्छा, और ये देखिए, आपको धनुष की तरह दिखाई देगा। ये लोहे की है, इस पर स्टील की लगी हुई है। इधर से इसको ऐसे करते हैं, ऊपर से तो एक्स्ट्रा मिट्टी जो होती है ना वो निकल आती है सारी की सारी बाहर। ये सारा ऐसे लगाया हुआ है इस तरीके से। इसको लगभग एक हफ्ते के आसपास ऐसे ही रखेंगे सूखने के लिए, क्योंकि अभी मौसम ख़राब है, दिख रहा है धुंध कोहरा वगैरह मौसम ख़राब है, इस वजह से 8 दिन। अदरवाइज़ अगर धूप का मौसम हो तो 2 दिन में शायद सूख जाता है। 2 दिन में सूख जाता है ना धूप में? दो दिन लगते हैं अगर धूप का मौसम हो। जैसे जून का महीना होता है, अप्रैल मई जून, तो 2 दिन बहुत है। अब मौसम ख़राब है तो 7-8 दिन लगेगा सूखने में। आप देख भी सकते हैं ये गिल्ला है, उधर वो जो लगा रखा है ना ऊपर वो सूखा हुआ है थोड़ा, उसका कलर भी अलग है। जब गिल्ला जब सूख जाता है तो फिर ऐसे लगाया जाता है इनको लाइन से। गिनती करनी है क्या इसकी फिर? अच्छा, मतलब फिर आपको ईंट के हिसाब से, मतलब गिनती के हिसाब से मिलता है। अच्छा, 1000 ईंटों पर। अच्छा, 1000 पे 400 का। ऐसे इनको लगाने का रीज़न है ताकि इनकी काउंटिंग आसानी से हो सके। अब अगर आप इनको ऐसे लगाएंगे तो इनका अपना सिस्टम है काउंट करने का, पूरा काउंट कर देते हैं इसको जितना भी लगाया हुआ है।
सबका अपना अपना होता है। वो पीछे आप देख रहे हैं इधर उधर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये सब ऐसे लगाया हुआ है, तो ऐसे इनकी काउंटिंग हो जाती है। ये पीछे आपको दिख रहा है ना, ये दूसरा है, ये किसी और भाई का है, उसके पीछे वो किसी और का है। तो ऐसे ही अपने अपने सेक्शन बट होते हैं, ये इनका सेक्शन है, तो इनमें ऐसे ही लगाएंगे इनको, फिर इनकी काउंटिंग होगी। तो काउंटिंग होती है 1000 के हिसाब से, तो उसी के हिसाब से इनका फिर वेजेस कैलकुलेट होता है कि कितना बनता है। तो ये सब कुछ